नमस्कार बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे बेटा, कार्टिजियन प्रोडक्ट से जो रिलेटेड है क्वेश्चन कर रहे थे कि किस तरह से डील करना चाहिए। तो अप टू क्वेश्चन टू तक हम लोगों ने देखा, एक तो जनरल मेथड से कैसे प्रूव करना है ये आपको आना चाहिए, है ना। इसमें टेक्निकल टर्म बहुत यूज होते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपने क्या सीखा है, एक चीज़ क्या सीखा कि जब भी इक्वलिटी प्रूव करना हो ना किसी चीज़ को, तो आप क्या प्रूव कर दो कि दोनों एक दूसरे के क्या है, सबसेट है। तो इक्वलिटी का मतलब यही होता है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट है। इसका मतलब दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल। क्योंकि सबसेट का मतलब पता है आपको क्या होता है, सबसेट का मतलब ए सबसेट बी का मतलब ए इंक्लूडेड इन बी होना चाहिए, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होना चाहिए, है ना। और बी में एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी इंक्लूडेड इन ए का मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में होना चाहिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो एंड बी के सारे एलिमेंट ए में हो, तो इसका मतलब कब ऐसा पॉसिबल है कि जब दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर सिर्फ ए सबसेट ऑफ बी लिखा रहता तब बी में ज़्यादा भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं था। अगर सिर्फ बी सबसेट ए लिखा रहता तब ए में ज़्यादा हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों इक्वल भी हो सकते थे या ज़्यादा भी हो सकता था, है ना। सबसेट का मतलब ये होता, प्रॉपर अगर लगा देंगे तो उसका मतलब क्या होता कि ज़्यादा ही होता, प्रॉपर में ये होता। तो खैर यहाँ पे आपने एक कंडीशन ये ध्यान रखना, तो ये कंडीशन बेटा आप ध्यान में रखना, है ना। जब भी इक्वलिटी से रिलेटेड आए ना, तो टेक्निकल टर्म यूज करके अगर प्रूव करना है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी इक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमेशा आपको क्या दिखाना है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, सिंपल, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर टू में देखा था बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को डील करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे जगह खाली कर लेता हूँ मैं कुछ, ठीक है। थ्री में क्या बोला है बेटा, थ्री में बोला है क्या, ए इक्वल टू ए बी। अच्छा, थ्री का क्वेश्चन कुछ अधूरा है और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए से रिलेटेड कुछ होगा, है ना। तो वो आप फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अगर मिसिंग है तब भी आप फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर फोर में, ठीक है। फोर में क्या बोला है बेटा कि इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू दिस गिवन है, ए क्रॉस बी दिया है पूरा। अब ए क्रॉस बी का मतलब सुने ना, ए क्रॉस बी का मतलब टोटल पॉसिबिलिटी दे दिया है ऑर्डर्ड पेयर का, टोटल इतने ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसका मतलब आपको पता है कि इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं वो किस में वाला होता है, सेट ए वाला होता है, एंड सेकेंड एलिमेंट क्या होता है, सेट बी वाला होता है। तो आपसे पूछा है फाइंड ए एंड बी, तो बताओ ए एंड बी में कितने होंगे ये बता पाओगे या नहीं। तो आंसर ये सर, फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वही तो होता है ना, तो ए हो गया, कॉमा क्या हो गया बेटा, ए हो गया, कॉमा ये वाला थर्ड में फर्स्ट एलिमेंट कितना है, बी है, फोर्थ में भी फर्स्ट एलिमेंट कितना है, बी है, तो ये हो गया। या इसको सिंपली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए कॉमा बी, है ना। क्योंकि रिपीटेशन का मतलब ये दोनों क्या है, एक ही है ना, रिपीटेशन का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल ये हो गया, क्या और भी हो सकते हैं सर, तो आंसर इस नहीं। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये जितने भी पॉसिबल ऑर्डर पेयर है ये सब इसमें इंक्लूडेड है। ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है, इसका मतलब इसके जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे, है ना, वो सारे के सारे ए में बिलोंग सी करेंगे, है ना। मतलब इसमें और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह से बेटा सेट बी अगर निकालना है आपको, तो सिंपल सेकेंड एलिमेंट एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई तो रिपीट कर रहे थे तुम, सिंपली क्या करो एक्स कॉमा वाई, सिंपल। तो सेट ए इतना आ गया, सेट बी इतना आ गया। अगर आप दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो फिर से अंदर क्या आ जाएगा, निकल के यही वाला आ जाएगा, डिट्टो सेम का, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर हो गया बेटा। फाइव में हम लोग देखते हैं फाइव में कैसे डील करेंगे इसको, ठीक है। फाइव में क्या बोला है बेटा, फाइव में ए बी सी दे दिया, देन वेरीफाई करना आपको, ये वेरीफाई करना है ना, और ये वेरीफाई करना है, दिस इज इक्वल टू दिस। तो सबसे पहले तो सिंपल सा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो ए क्रॉस क्या करना है बेटा, हम पूरा तो नहीं निकालेंगे, है ना, थोड़ा सा करके आपको हिंट दे सकते हैं। इसको मान लो कुछ डी मान लो इसको, मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस डी। और अगर दो सेट गिवन है तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना जानते हो, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है।
सिमिलरली बेटा यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी निकाल लोगे आसानी से, ए क्रॉस सी निकाल लोगे और उसका यूनियन, तो यूनियन की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए आपको। यूनियन का मतलब क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स आपको लिखने होंगे दोनों सेट का, है ना। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर बी यूनियन सी की बात करूँ, जिसको कि मैंने सेट डी बोल दिया, तो बी यूनियन सी क्या होगा बेटा, बी में 4 है एंड सी में 5 है, तो दोनों में जो एलिमेंट्स हैं, है ना, जो बी के एलिमेंट्स हैं जो सी के एलिमेंट्स हैं दोनों आपको लिखना है, ठीक है। तो एक तो 4 भी हो गया एंड एक क्या हो गया 5, सिंपल। तो बी यूनियन सी का मतलब सिंपल क्या हो गया, 4, 5। एंड ए तो आपको दिया हुआ है कितना, 1, 2, 3, तो आप सिंपली क्या करोगे 1, 2, 3 लिखोगे ऐसे, और यहाँ क्या करोगे बेटा 4, 5 लिखोगे। तो ये हो गया ए और ये हो गया क्या, बी यूनियन सी। दोनों का क्या करना है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो आप आराम से लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, लिख लिया। सिमिलरली आप क्या करोगे बेटा, ए क्रॉस बी अलग से निकालोगे, ठीक है। ए क्रॉस बी तो निकाल ही सकते हो ना, कैसे निकालोगे ए क्रॉस बी, तो यहाँ तो दिया हुआ है ना, कितना दिया ए में, कितना दिया हुआ देखो, 1, 2, 3, 1, 2, 3, एंड बी में कितना दिया बेटा, सिंगल एलिमेंट है 4, तो निकाल लो, सिंपल है सर इसमें तो, 1, 4, 2, 4, 3, 4, क्लियर है। फिर आपको क्या करना है बेटा, ए क्रॉस सी निकालना है, तो ए तो यही है सी में, लेकिन इस बार बेटा कितना है, 5 है, तो सी में 5 ले लिया। फिर निकाल लिया 1, 5, 2, 5, 3, 5, फिर दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन में तो आपको पता ही है कैसे लिखना है, जो दो जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक और लिखो और जो डिफरेंट एलिमेंट है बाकी सबको लिख दो। तो आप वेरीफाई करना है ना, वहाँ पे मैच करना दोनों रिजल्ट सेम आता है या नहीं आता है, तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रूव करना है क्वालिटी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपको इंटरसेक्शन निकालना आना चाहिए, तो इंटरसेक्शन निकालोगे बेटा तो क्या होगा, सोचो बी एंड सी में इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाले एलिमेंट लिखते हैं, तो यहाँ तुम जब बी एंड सी का इंटरसेक्शन लिखोगे तो कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में जो है ना, सेकंड क्वेश्चन में ए क्रॉस 5 आ जाएगा। ए क्रॉस 5 का मतलब समझना, कैसे निकालते हैं ए क्रॉस 5, तो ए में जो एलिमेंट है वो लिख लो 1, 2, 3, एंड बी में जो एलिमेंट है, बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब आप क्या ऑर्डर पेयर निकाल सकते हो क्या, आंसर इज नहीं, है ना, तो कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा। तो ए क्रॉस 5 का मतलब 5 ही होता है, क्लियर। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको प्रूफ करना है, तो पहले ए क्रॉस पी निकालो, फिर ए क्रॉस सी निकालो, फिर दोनों का इंटरसेक्शन देखो। तो इसका मतलब जब आप ये दोनों निकालोगे तो इसमें भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो डायरेक्ट आप क्या कर लोगे, 5 डायरेक्ट, क्लियर। ये तो तरीका बताया मैंने कि कैसे करना है, आप लोग इसको करो, है ना। फिर नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें जैसे ए क्रॉस बी माइनस सी, अब देखो कार्टेशियन तो आप लोगों को निकालना है, मैं अब यहाँ पे थोड़ा सेंड देता हूँ कि देखो बी माइनस सी कैसे डील करेंगे आप, है ना। तो जैसे यहाँ पे बेटा बी माइनस सी दिया है, तो बी माइनस सी क्या लिखेंगे, देखो बी में सर कितने हैं, 4 है, तो बी में 4 है एंड सी में 5 है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, बी माइनस सी का मतलब क्या होगा कि बी के सारे एलिमेंट होंगे एक्सेप्ट कि सी वाला एलिमेंट को नहीं लिखना है ना, मतलब सी वाले एलिमेंट को माइनस कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो अगर 1, 2, 3 है और इसमें से माइनस करना है आपको कितना, 1, 2, तो क्या लिखोगा, ये इसमें से माइनस करना है 1, 2 को, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3, सिंपल सा, मतलब इसके सारे एलिमेंट लिखना है बट इसका जो एलिमेंट है उसको हटा के, है ना, उसको नहीं लिखना है, ठीक है, वो माइनस हो गया। सर अगर यहाँ पे ऐसा होता, मान लो बेटा 1, 2, 3, है ना, और ये माइनस हो गया 4, अब तुम बताओ क्या करोगे, माइनस क्या लिखोगे। इंटरसेक्शन अगर होता तो तुम क्या लिखते, 5, क्योंकि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, लेकिन यहाँ पर माइनस ही है, ध्यान देना। माइनस का मतलब क्या होगा कि बी के सारे एलिमेंट लिखो लेकिन सी वाला नहीं निकला, तो सी कितना है बेटा, 4, 4 तो इसमें है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, 2, 3 आएगा। ये 4 रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि माइनस होने वाला कोई है ही नहीं इसमें जो एलिमेंट है, क्लियर। जैसे यहाँ पे रहता मान लो 4, 5 रहता, तब भी कोई माइनस होने वाला एलिमेंट नहीं है। हाँ अगर यहाँ पे रहता मान लो 4, 3, तो 3 गायब हो जाता, तो सिर्फ क्या बचता, 1 एंड 2 बचता यहाँ पे, अगर 4, 3 रहता।
की सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बेटा b माइनस सी लिखना है, तो b माइनस सी कितना लिखोगे आप बताओ, b माइनस सी इज वॉट, 4। क्लियर है, क्योंकि दिस माइनस दिस करोगे तो 5 तो इसमें है ही नहीं, तो 4 लिखोगे सिंपल। ठीक है, तो एक बार वैसा कर लिया, फिर सिमिलरली a क्रॉस b करना, a क्रॉस c करना, फिर माइनस करना है, मतलब a क्रॉस c वाले जितने भी एलिमेंट है a क्रॉस b से निकाल देना, बाकी जो a क्रॉस b का बचेगा वो रखना, फिर मैच करना, दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्लियर, तो एक तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ये जो है सिमिलर कंसेप्ट है ना, तो ये भी मैं नहीं बता रहा, सिंपल सा ये दिया हुआ है ना, 3 सेट दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 में, तो 7 में भी सिंपल है बेटा, इसी पे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ तक देख लो, 7 तक, अप टू 7 तक, सर ये तो ठीक है, अगर कोई सेट दिया हुआ है तो मैं निकाल निकाल कर वेरीफाई कर लूँगा। ठीक है, ठीक है, क्या इन जनरल भी प्रूव कर सकता हूँ, जैसे आपने इसमें प्रूव किया था ना सर, ऊपर वाले में, कि इन जनरल प्रूव करते हैं, अगर सेट ए और बी ना लें, है ना, इस तरह से, मतलब कोई जनरल एलिमेंट लेकर अगर हम प्रूव करना चाहें, तो क्या इन जनरल ये सारे प्रूव किए जा सकते हैं, तो आंसर इज यस, ऑफ कोर्स प्रूव किया जा सकता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेटा कि इन जनरल इसको हम लोग कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।